हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे बिजली बिल के बारे में। अगर आपका बिजली बिल अधिक आ गया हो, वो किसी भी कारण से आ सकता है। अगर आपका मीटर जो है खराब हो गया हो, उस कारण से भी बिल आपका ज्यादा आ गया हो, या आप कहीं दूसरे जगह चले गए थे, आपका मीटर घर के अंदर लगा हुआ था, रीडर रीडिंग नहीं चेक कर पाया और LK पे बिल बना दिया, उस कारण से जो है आपका बिजली बिल अधिक आ गया है, या आपका जो रीडिंग है मीटर में कुछ और है और बिल पे जो रीडिंग है वो कुछ और है, रीडर के द्वारा जो है गलती किया गया है, उसकी वजह से आपका बिल ज्यादा आ गया है, तो उसकी करेक्शन जो है हम किस किस माध्यम से करेंगे, कैसे एप्लीकेशन लिखेंगे, पूरी प्रोसेस आपको बताएंगे। वीडियो काफी इम्पोर्टेंट होने वाली है, ये आपको जानना जरूरी है। देखिए, यहाँ पे अगर आपका बिल ज्यादा आ जाता है तो आप ऑफलाइन के माध्यम से भी कंप्लेन कर सकते हैं या ऑनलाइन के माध्यम से भी कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे टोल फ्री नंबर भी दिया गया है, उसके माध्यम से भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। पहले हम ऑफलाइन के माध्यम से आपको बताएंगे कि आपको ऑफलाइन के माध्यम से कैसे एप्लीकेशन लिखना है और उसको कहाँ आप जमा करेंगे ताकि आपका जो बिल करेक्शन है वो आसानी से हो पाए। तो देखिए, पहले इसके लिए आपको ऑफलाइन के माध्यम से एप्लीकेशन लिखना होगा। देखिए, अगर आप सेक्शन ऑफिस जहाँ पे जेई साहब बैठते हैं, जहाँ आपका पावर सब स्टेशन है, वहाँ पे अगर आप आवेदन देना चाहते हैं तो आपको सेवा में लिखना है कनीय विद्युत अभियंता। अगर आप डिवीजन ऑफिस में जो है आवेदन देना चाहते हैं, जिला में देना चाहते हैं, तो आपको आवेदन सहायक विद्युत अभियंता के नाम पे देना होगा। कनीय अभियंता के नाम पे अगर लिखते हैं तो विद्युत आपूर्ति पर शाखा जहाँ आपका है वहाँ का ये नाम डाल देंगे। अगर आप सहायक विद्युत अभियंता के नाम पे लिखते हैं तो जहां आपका डिवीजन ऑफिस है वहां के लिए आप लिखेंगे विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल और यहां पे नाम डाल देंगे। विषय में आपको लिखना होगा बिजली बिल सुधार करने के संबंध में, यहां पे महाशय लिखेंगे। उसके बाद सेवा में सविनय निवेदन इस प्रकार है कि यहाँ पे जिसके नाम पे बिजली बिल आता है उसका नाम लिख देंगे, पिता का नाम, ग्राम अपना लिख देंगे, पोस्ट लिख देंगे, थाना लिख देंगे, जिला लिख देंगे, के स्थायी निवासी हूँ, मेरा बिजली उपभोक्ता संख्या जो आपका कंज्यूमर आईडी है वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे, मीटर संख्या यहाँ पे मेंशन कर देंगे, मेरा बिजली बिल अचानक बहुत ज्यादा आ गया है, मेरा खपत जो है हमेशा एक समान रहता है और मेरे घर में जितने आप पंखे चलाते हैं, बल्ब जलाते हैं, टीवी चलाते हैं, मोटर चलाते हैं, जो भी आप यूज करते हैं उसका मेंशन यहाँ पे आप कर देंगे, और मेरा बिजली बिल जितना आपका आ गया है उतना यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि इतना आ गया है। श्रीमान से निवेदन है कि मेरे परिसर में मीटर की जांच की जाए कि किस कारण बस जो है मेरा बिजली बिल इतना ज्यादा आ गया है एवं इसको सुधार कर उचित बिल दिया जाए, ये मेंशन आप कर देंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे मेंशन करेंगे, अतः श्रीमान से नर्म निवेदन है कि मेरा बिजली बिल को सुधार कर उचित बिल दिया जाए ताकि मैं बिजली का भुगतान कर सकूं। उसके बाद यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है विश्वास भाजन, यहाँ पे नाम मेंशन कर देंगे, पिता का नाम, ग्राम, पोस्ट, थाना, जिला, मीटर संख्या, उपभोक्ता संख्या, ये आपको मेंशन कर देना है, मोबाइल नंबर जरूर लिखिएगा, यहाँ पे हस्ताक्षर आप कर दीजिएगा। तो इस तरह से आवेदन को लिखकर जो है अगर आप सेक्शन ऑफिस में देना चाहते हैं तो सेक्शन ऑफिस में जेई को या क्लर्क को आप देके एक रिसीविंग जरूर रखिएगा। अगर आप सहायक विद्युत अभियंता के नाम पे लिखे हैं तो वहां पे भी जो है आप एक कॉपी पे जो है रिसीविंग ले लीजिएगा जिसपे डेट और कर्मचारी का जो है सिग्नेचर रहेगा, उसके बाद जमा कर देंगे। तो इस प्रोसेस में जो है आवेदन देने के बाद जो है आपके परिसर की जांच की जाएगी, मीटर की जांच की जाएगी। उसके बाद अगर लगता है कि आपका बिल जो है सही में गलत है तो उसकी सुधार के लिए जो है प्रोसेस की जाती है। इसमें आपको 15 से एक मंथ का जो है टाइम लग जाता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो है आप उसकी जानकारी ले सकते हैं 15-20 दिन के बाद कि हमारा बिल जो है वो सुधरा या नहीं सुधरा, या आप ऑनलाइन के माध्यम से चेक भी कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस होता है ऑफलाइन के माध्यम से। सेकेंड प्रोसेस ये होता है कि आप टोल फ्री नंबर जो है इसका, अगर आप साउथ बिहार से बिलोंग करते हैं तो svptcl.co.in आपको वेबसाइट पे जाना होगा। अगर आप नॉर्थ बिहार से बिलोंग करते हैं nbpdcl.co.in के वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे दिया गया है 1912। इस पे आपको कॉल करके जो है कंप्लेन को रजिस्टर्ड कराना होगा, पूरी जानकारी आपको बताना होगा कि मेरा उपभोक्ता संख्या इतना है, मीटर संख्या इतना है,
मेरा इस नाम से कनेक्शन है, मेरा ग्राम पोस्ट यहाँ है, वो आपको ऑनलाइन के माध्यम से जो है यहाँ पे कॉल करेंगे, उसके माध्यम से आपका कंप्लेन जो है वो रजिस्टर्ड कर देंगे। इसमें भी आपको 15 से 1 महीने का टाइम जो है आपको लगेगा इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में। उसके बाद आप ऑनलाइन कंप्लेन भी कर सकते हैं। तो ऑनलाइन कंप्लेन के लिए देखिए SPPTCL के मेन वेबसाइट पे आएंगे तो इस तरह का इंटरफेस जो है यहाँ पे ओपन होता है। यहाँ पे देखिए ऑनलाइन कंप्लेन का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे कंप्लेन रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुलेगा, इस पे आपको इंटर करना है। यहाँ पे CA नंबर आपको इंटर करना होगा, कंज्यूमर नंबर जो है वो इंटर करना होगा, किसके नाम पे बिल है वो यहाँ पे नाम डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे। यहाँ पे आपको डिवीजन चूज करना होगा, उसके बाद सब डिवीजन जो है आपका जो है वो चूज करेंगे, सेक्शन ऑफिस जो है वो आप चूज करेंगे, उसके बाद अपना विलेज पोस्ट डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे। कंप्लेन कैटेगरी में जो है आपको यहाँ पे जो है बिलिंग रिलेटेड चूज करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है देखिए हाई कंजप्शन चूज करना है या रॉन्ग रीडिंग कर दिया है तो रॉन्ग रीडिंग भी चूज कर सकते हैं, अगर रॉन्ग चार्ज किया है तो रॉन्ग चार्ज यहाँ पे ऑप्शन आपको चूज करना होगा, जो भी रिलेटेड हो यहाँ पे आप चूज करेंगे। मगर बिल सुधार में आपको तीन ही ऑप्शन जो है यहाँ पे चूज करना है, हाई कंजप्शन, रॉन्ग चार्ज, रॉन्ग रीडिंग, ठीक है, इसको चूज कर लेंगे। यहाँ पे पूरी डिटेल्स आपको जो है मेंशन करना होगा, आप यहाँ पे हिंदी या इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं। यहाँ पे आप लिखिएगा कि हमारा बिजली बिल जो है अचानक ज्यादा आ गया है, जो भी कारण हो वो पूरा यहाँ पे मेंशन आप कर दीजिएगा, किस कारण से जो है आपका बिल ज्यादा आया है। अगर आपका मीटर खराब से रिलेटेड जो है बिल ज्यादा आ गया है मीटर खराब होने की वजह से तो वो मेंशन करेंगे। अगर आपका घर बंद था, हल्के पे अगर बिल बन गया है उसके माध्यम से अगर बिल जो है ज्यादा आया है तो वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। अगर आपका बिल जो है मीटर में कुछ रीडिंग है और रीडर के द्वारा जो बिल में मेंशन किया गया रीडिंग है वो ज्यादा डाल दिया है तो वो मेंशन करेंगे। उसके बाद जो कैप्चा दी गई है इसको टाइप करके सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे, एक रेफरेंस नंबर जनरेट होगा, उसको आप ट्रैक भी कर सकते हैं कि हमारा जो कंप्लेन है वो किस स्थिति में है। उसके लिए कंप्लेन SR स्टेटस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कंप्लेन SR नंबर डालेंगे, जो कैप्चा है वो डाल करके सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो उसके स्टेटस जो है यहाँ पे शो हो जाएंगे। यहाँ पे जैसे बिल जो गलत है, जैसे इसका देख सकते हैं, इसका जो बिल है यहाँ पे देख सकते हैं 61,319 रुपए का बिल आ गया है, किस कारण से आया है तो देखिए इनका जो बिल बन रहा है MD पे बन रहा है, LK पे बन रहा है, तो इस वजह से जो है इनका बिल जो है बहुत ज्यादा आ गया है। तो वही परिसर की आपकी इसकी जांच की जाएंगी कि सही में इसका जो मीटर है वो डिफेक्टिव है या नहीं, या इनका जो मीटर लगा है वो घर के अंदर लगा हुआ है, किस कारण से जो है LK पे बिल बन रहा है, MD LK क्या है, इसकी सुधार कैसे होती है, उसकी डिटेल्स वीडियो ऑलरेडी हमने बना रखे हैं। इसके लिए हमारी प्लेलिस्ट जो है इलेक्ट्रिसिटी बिजली के नाम पे बनी हुई है, उस पर जाके वीडियो आप डिटेल में देख सकते हैं, कैसे कनेक्शन करना है, कैसे लाइन कटवाते हैं, कैसे मीटर रिप्लेस करवाते हैं, न्यू कनेक्शन में कितना चार्ज लगता है और रिलेटेड वीडियो जो है आपको मिल जाएंगी। तो आप जो है चैनल पे अगर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो हमेशा आपको मिलती रहे। तो इस तरह से MDLK पे बिल बनता है तो उसकी वजह से जो है यहाँ पे बिल जो है ज़्यादा आ जाता है। इससे रिलेटेड जो है पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको हर वीडियो में अलग अलग टॉपिक पे वीडियो आपको मिल जाएंगे। किसी तरह का क्यूरी क्वेश्चन हो कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करना ना भूलिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोगों को जानकारी मिल सके और वो भी इस प्रोसेस को फॉलो करके अपने बिल को सुधार करवा पाएँ। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।